नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। राजस्थान के पंजीकृत मदरसों में अब छात्र 12 कक्षा की तालीम हासिल कर सकेंगे। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में अध्ययनरत छात्रों को 12वीं क्लास तक तालीम देने की अनुमति मांगी गई है। मौजूदा हाल में पंजीकृत मदरसों में छात्रों को केवल 8वीं कक्षा तक की ही तालीम दी जाती है। उसके बाद छात्रों को आगे की तालीम के लिए किसी दूसरे सरकारी या निजी स्कूल का रुख अपनाना पड़ता है। राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष महबूब दीवान चोपदार ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में कुल 3,454 पंजीकृत मदरसे हैं। इन सभी मदरसों में करीब 2,04,612 छात्र अध्ययनरत है। इनमें से 422 मदरसे ही अपर प्राइमरी लेवल के पंजीकृत हैं, जबकि 3,032 मदरसे अभी प्राइमरी लेवल पर ही हैं। मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मदरसों को अपर प्राइमरी में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड किया जा सकेगा। आपको बता दें, प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के बाद सरकार की ओर से मदरसा शिक्षा सहयोगियों को शिक्षा अनुदेशक पद पर लगाया गया है। अब इसके बाद बोर्ड की कोशिश है कि जो छात्र 8वीं कक्षा के बाद इस वजह से तालीम का दामन छोड़ रहे हैं कि मदरसों के बाद उन्हें सामान्य स्कूलों में शिक्षा लेने में मुश्किलें हो रही हैं, तो ऐसे छात्रों को सीनियर सेकेंडरी तक शिक्षा से जोड़े रखने की इस कोशिश में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।